तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि बैन के दो घोस्ट हवेलियन के बारे में। तो हम बात करने वाले हैं बिच्छिर और घोस्ट फ्रीक के बारे में कि कभी इन दोनों फाइट हुई तो कौन जीतेगा और इन दोनों की पावर्स और वीकनेस के बारे में। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज इस वीडियो को जाकर लाइक कीजिएगा और चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर जाकर मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे घोस्ट फ्रीक के बारे में। घोस्ट फ्रीक काफी पुराना एलियन है बेंटन का, वो हमें हर सीरीज में दिखा गया। सबसे पहले हमने घोस्ट फ्रीक को देखा था बेंटन ओरिजिनल सीरीज में, फिर हमें बेंटन की हर सीरीज में दिखाया गया है घोस्ट फ्रीक को। तो अब हम बात करते हैं घोस्ट फ्रीक के पावर के बारे में। तो घोस्ट फ्रीक किसी को भी कंट्रोल कर सकता है और वो किसी के भी आर पार जा सकता है और वो अपने बॉडी से टेंटिकल दिखा के सबको डरा भी सकता है। तो ये तो होगी घोस्ट फ्रीक की पावर के बारे में। अब हम बात करते हैं घोस्ट फ्रीक की वीकनेस के बारे में। तो घोस्ट फ्रीक को सनलाइट से वो वीक हो सकता है, उससे कमजोर हो जाता है और उसे कुछ सनलाइट जैसी चीज वाले उसे हरा सकते हैं। और अगर घोस्ट फ्रीक अगर बैन के बॉडी में हो या किसी के बॉडी में हो तो वो सनलाइट में सर्वाइव कर सकता है। तो ये हो गई घोस्ट फ्रीक की ताकत के बारे में, ये हो गई घोस्ट फ्रीक की पावर और एबिलिटीज के बारे में। तो अब हम बात करने वाले बिच्छिल को। बिच्छिल हमें सबसे पहले दिखाया गया था बेंटन एलियन फोर्स में, फिर वो हमें दिखाया था बेंटन अल्टीमेट एलियन में, फिर वो हमें दिखाया था बेंटन ओमनीवर्स में। तो बिच्छिल बैन का काफी ज्यादा फेवरेट एलियन में से एक एलियन है। तो अब हम बात करते हैं बिच्छिल की पावर और एबिलिटीज के बारे में। बिच्छिल आइस बीम अटैक कर सकता है और ना वो किसी के भी आर पार जाएगा तो वो बर्फ बन जाता है और बिच्छिल गायब भी हो सकता है। और तो और बिच्छिल की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, उसने उसने गरम गरम लावा को भी खाया था और उसके दांत काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, वो लोखन को भी काट सकते हैं उसके दांत। तो अब हम बात करते हैं बिच्छिल की वीकनेस के बारे में। तो बिच्छिल एको एको की वॉइस बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसको इलेक्ट्रिक शॉक से भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो ये तो बिच्छिल की वीकनेस हो गई। तो अब हम बात करते हैं कभी अगर इन दोनों फाइट हो तो कौन जीतेगा। तो बिच्छिल और घोस्ट फ्रीक, तो घोस्ट फ्रीक और बिच्छिल दोनों ही गायब हो सकते हैं। तो ये दोनों गायब हो सकते हैं तो ये दो आपस में लड़ सकते हैं। और तो और ये दोनों एलियन उड़ सकते हैं। और अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ बिच्छिल की, क्योंकि बिच्छिल ने गर्म गर्म लावा भी पिला सकता है और वो घोस्ट फ्रीक तो निकल पाए। इसलिए अगर कभी अगर इन दोनों फाइट हुई तो बिच्छिल जीत सकता है क्योंकि बिच्छिल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि किसी की तरह से भी हाथ पर जाता है तो वो बर्फ बन सकता है, इसलिए ये बिच्छिल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर कभी इन दोनों फाइट हुई तो इन दोनों के बीच में बिच्छिल जीत जाएगा।